तो भाई इनका सीजन भी शुरू हो चुका है। दोस्तों अब सबका खाना पीना हो चुका है और अब अरे पहाड़ी टमाटर। तो दोस्तों ये हो रही है रात की तैयारी, प्रियांशु रावत लगे हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विशाला पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे से और आज फिर से ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज दूसरी अखंड रावण है फिर से एक जाकर महाराज के मंदिर में। तो आपको ले चलते हैं फिर से, आप लोग को अपने गांव के बच्चे और अन्य लोगों से भी मिलाता रहूँगा। तो आज मौसम की अगर बात की जाए तो धूप नहीं लगी है, बादल लगे हुए हैं। तो दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, ये देख सकते हैं आप लोग, इधर गोपेश्वर का एरिया लगभग पैक हो रखा है और इधर घाटी के साइड भी बादल लगे हुए हैं और धूप तो अभी है नहीं, लगने के आसार तो लग रहे हैं। वैसे यहाँ तक सूर्यदेव पहुँच चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो देखते हैं जो भी होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। तब ले चलते हैं आपको अखंड रावण वाली जगह पे, चलते हैं। बॉडी चली अष्टमी ला 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 कनेर का फूल। यहाँ पे हमारी दादी जी भी बैठे हुए हैं। दादी बैठी ची वे नाश्ता। यहाँ पे एक प्यारा सा फूल कनेर का। तो दोस्तों अब धीरे धीरे करके अखंड रावण वाले भक्त जन पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता लोग, और ये इधर पे जाक महाराज के मंदिर में आज अखंड रावण का पाठ किया जाना है। ए अरे दोस्तों, ये हमारे गांव का पंचायत घर, यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह सब कुछ होती है हमारे गांव की और रामलीला की ट्राई वगैरह भी इसी में होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जाक राजा की। देवी का द्वार, लाडू की शान, सुधा की धान। Thank you.
तो दोस्तों ये है अखंडामण वाले और इनको भूख पहले लगती है। ये खाने का सामान ले जा रहे हैं अभी, बर्तन वगैरह। यहाँ पे बॉडी जी भी कर रही है धान की निराई गुड़ाई। ओ बॉडी गाड़ी घास लग आ रहा। तो दोस्तों अखंडामण का पाठ शुरू हो चुका है, इसके बाद अब प्रसाद बनाने की तैयारी है दोपहर का। और यहाँ पे अखंडामण चल रही है यहाँ पीछे। आज मौसम थोड़ा बुझा बुझा सा है। तो दोस्तों यहाँ पे खाने पीने की तैयारियां चल रही है। भात बन गया है और अब दाल बना रहे हैं भाई साहब। ये सब लोग थक चुके हैं रामायण पढ़ के। और एक पहाड़ी टमाटर हॉक के साथ इसका जायका और स्वाद लिया जाएगा दाल के साथ। तो दोस्तों पहाड़ों में ककड़ी से ऐसे इसको रगड़ के इससे पता चलता है कि कौन चोर है। एक एक करके रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ मैं मार रहा ये भी तो पकड़ू। देख दी खोरे अरे चेक कर भाई चेक कर, अब चोर का पता चलेगा। ये नहीं है चल आराम से आराम से। तो दाल भी बनकर तैयार है भाई। अब इसको फ्राई किया जाएगा, इसमें इसका मसाला तैयार हो रहा है। कहोगे भाई मस्त है। अब इसमें लोड किया जाएगा दाल को। या लसपसी अरे पानी अच्छे प्याज तू की तैयारी करना भाई रेल बनाना तुम तो दोस्तों ये हो रही है रायते की तैयारी। प्रियांशु रावत लगे हुए हैं अपना कार्यभार संभाले हुए हैं और भाई साहब ने काफी नमक डाल दिया है। बहुत मेहनत करते हुए रायते के लिए इतना नमक अभी जा दो में तो देख ले यार तुम मर्च डाल मर्च डाल चल भाई चल सुन छेड़ा सुन छेड़ा भाई ए बेटा चल छेड़ा अबे लोण दादा हूं मैं अरे लोण दादा बहुत ज्यादा कसम ले सेटो पुल गाड़ दे हां ये तीरों हो जान दे वैसे ये छाछ पड़ चुकी है इसमें और इसके बाद इसमें डाले जाएगी दही। आया डब्बे उन सब तो आते तो दोस्तों धीरे धीरे करके जंगल से गाय बैल भी आ चुके हैं घर।
और हम जा रहे हैं घर अभी क्योंकि फोन चार्ज नहीं है। वो चलो आराम करो। दोस्तों इधर चल रही है अखंडा में और इधर पे बन रहा है रात का खाना। उधर मंदिर में चल रहे भजन और इसी के साथ चाय की चुस्की लेंगे हम। हेलो सीधा ब्रेड बॉय आलो से पकोड़ा बड़ा तो सीधा बहुत बाट रहे बोल भाई लोग तू बोलते बोलते चुपकी ले रहा यार तू बहुत शर्मिंदा करता है रे लड़का ना। आटा स्पेस जाई बात भारत प्रीत न सो कही जाते हिंदू संते सुनी की बात। उससे यहाँ पे रोटियों की तैयारी हो रही है और सब्जी वगैरह बन के तैयार है। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर पे है। फोन करी बोल दे भाई तू खाण पीण सिवाया बन रही है। गांडा का कलर, ये सिवाया का कलर पूरा बदल चुका है, जला दी है सिवाय स्पेशलिस्ट। दोस्तों अब सबका खाना पीना हो चुका है और अब इसके बाद एक एक करके सब लोग पढ़ेंगे और ये बन रही है लास्ट रोटी कुत्ते के लिए। यह कालू यहाँ पे हेलो